हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, आज की डेट है 5 मई और यहाँ पर बज रहे होंगे 8:30 या 9 बज रहे होंगे, क्योंकि बच्चे उठ गए थे, बहुत लेट उठते हैं बच्चे। मतलब ये ड्यूटी चले जाते हैं 7 बजे या 7:30 बजे, तो बच्चे उठ जाते हैं उसके बाद। फिर मैं डेबेट ठीक कर रही हूँ, यहाँ पर आ गई थी मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने, और आज ना बच्चों की डिमांड थी वो आलू पराठा खाने के, क्योंकि मैंने कल ही आपको बताया था कि कल मैंने आलू पराठे के लिए थोड़े से आलू ज़्यादा बॉईल कर दिए थे, तो इसी वजह से आज बच्चों के लिए बनने वाला है आलू पराठा ब्रेकफास्ट में। इसीलिए मैं पहले आटा गूंद ले रही हूँ ताकि आटा थोड़ा सा वो सॉफ्ट बन जाए। जब तक मैं बाकी की तैयारी करूँगी, मतलब मसाले की तैयारी करूँगी, स्टफिंग की तैयारी करूँगी, तब तक ये आटा सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आटे में थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, जैसे कि आप लोग भी डालते ही होंगे। पता नहीं कुछ लोग डालते हैं कुछ लोग नहीं डालते हैं, क्योंकि मुझे पहले भी मैंने आटे में नमक डालते हुए दिखाया था, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि आटे में नमक क्यों डाला जाता है। तो थोड़ा सा टेस्ट बढ़ने के लिए वही आटे में नमक डाला जाता है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर रीज़न नहीं है कि आटे में नमक क्यों डाला जाता है। तो थोड़ा सा टेस्ट बढ़ने के लिए होता है, आटे में नमक डाला जाता है। और इस तरह से मैं थोड़ा सा आटा गूँध लूँगी अच्छे से, थोड़ा सा सॉफ्ट आटा गूँध लूँगी, क्योंकि ये हार्ड आटा होता है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब वो पराठे इतने ज़्यादा ये नहीं रहते हैं, हार्ड लगते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा सॉफ्ट ही आटा गूँधती हूँ। बहुत लोग हार्ड आटा गूँधते हैं यार, पूरी जैसा एकदम, मुझे नहीं पसंद है वैसे पूरी जैसा आटा गूँधना पराठों के लिए भी, तो इस तरह से मैं सॉफ्ट आटा गूँधती हूँ। और बस कल के रात के जो वो थे आलू थे, अभी उसकी मैं मतलब वो बनाऊंगी, स्टफिंग बनाऊंगी। एक्चुअली क्या होता है कि जो आलू रात के बनाए हुए होते हैं ना, थोड़ी सी स्टफिंग ना गीली गीली सी हो जाती है, मुझे अभी मतलब समझ में आ गया है, क्योंकि ना मैंने रात को ही आलू बॉईल करके रख दिए थे और वो फ्रिज में रख दिए थे। फ्रिज से निकालने के बाद ना वो पानी छोड़ने लगते हैं ऑयल, तो इसी वजह से ना थोड़े से मेरे वो स्टफिंग जो है वो गीली गीली सी बन गई थी। तो अगर आप उसी टाइम करते हो ना तो अच्छा रहेगा आपके लिए, मतलब रात के आलू जो बचे हुए हैं वो यूज़ ना करो और सुबह आलू डाल के वो करो तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा टाइम जाएगा बट वही अच्छा रहता है, क्योंकि ये आलू ना पानी छोड़ने लगे थे बाद में। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है पैन में एक, और उसके बाद यहाँ पर तवा भी रख दिया है, स्टफिंग जल्दी से रेडी हो जाएगी हमारी, क्योंकि ज़्यादा तामझाम नहीं होता है उसके लिए। बस यहाँ पर तेल ऐड किया है, उसमें ये राई ऐड की है, राई चटकने के बाद थोड़ा सा मिर्ची ऐड की है, और मिर्ची इसलिए ऐड की है, लाल मिर्च इसलिए ऐड नहीं की है क्योंकि मिर्ची भी बच्चे साइड में निकाल के भी रख सकते हैं, लाल मिर्च अगर ऐड करते हैं तो बच्चे खाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं, तो इसी वजह से मैंने मिर्ची ऐड की है। और उसके बाद हल्दी ऐड की है और थोड़ी सा मतलब धनिया पाउडर ऐड किया है, और यहाँ पर ये जीरा पाउडर ऐड किया है। बस इसके बाद जो आलू का गुदा मैंने बना के रखा था वो ऐड किया है, और अच्छे से इसे चला लूँगी, मतलब सारी चीज़ें मिक्स हो जाए ऐसे चला लूँगी, और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है बाद में हमें, और ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद नमक ऐड कर देना है, और नमक भी अच्छे से मिक्स हो जाए तो बस हमारा जो स्टफिंग है वो रेडी हो चुका है यहाँ पे। और बस थोड़ी देर इसे चला लेना है, मैंने गैस बंद कर दिया है, बस गैस बंद कर देना है, ज़्यादा देर आपको पकाना नहीं है इसे, क्योंकि ऑलरेडी आलू जो है वो बॉईल किए हुए होते हैं और उसके बाद फिर पराठे में भी वो पक जाता है, इसीलिए इसे ज़्यादा नहीं पकाना है हमें। थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर दूँगी ऊपर से, टेस्ट के लिए भी अच्छा रहता है और उसके बाद वो दिखने में भी अच्छा दिखता है स्टफिंग के अंदर, तो इसीलिए धनिया पत्ता ऐड कर दूँगी, और बस इसे अच्छे से चला लूँगी, मतलब मिक्स कर लूँगी, और बस इसके साथ ही हो गई हमारी स्टफिंग रेडी। बस यहाँ पर आलू पराठा बना रही हूँ, और सभी लोग बनाते ही है आलू पराठा, जैसे सभी लोग बनाते हैं वैसे ही मैं भी बनाती हूँ, कुछ नया नहीं यहाँ पर सिखा रही हूँ, बट फिर भी आपको एक बार देखने के लिए मिल जाएगा मैं कैसे बनाती हूँ। यहाँ पर लोई बेल रही हूँ, उसके बाद फिर उसमें थोड़ा सा स्टफिंग भरूँगी और उसे जो एक्स्ट्रा है वो निकाल लूँगी उसमें से, और बस उसे अच्छे से बेल लूँगी, तो हो जाएगा हमारा पराठा रेडी। एक्चुअली ना ये पानी छोड़ने लगा था ना, इसी वजह से थोड़ा सा ना वो चिपक रहा था, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा पहले ज़्यादा वो लगाया था, क्या बोलते हैं, आटा लगाया था, फिर भी ये चिपक ही रहा था पता नहीं क्यों, तो थोड़ा सा ना वो पानी छोड़ने लगा था ना, फ्रिज में रखा था मैंने, इसी वजह से चिपक रहा था। तो मैंने क्या किया, उसके बाद जो ऊपर का लेयर होता है, मतलब जो कवर होती है ऊपर की, तो वो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली थी, मतलब ज़्यादा मीन्स थोड़ी सी मोटी ली थी, तो उसके बाद वो नहीं चिपकने लगा था, तो यहाँ पर मैंने पतली ली थी, क्योंकि मुझे ना आलू ज़्यादा और वो पतली लेयर होती है ना तो वो अच्छी लगती है, बच्चों को भी अच्छी लगती है खाने में, बट यहाँ पर वो हो ही नहीं रहा था, इसी वजह से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी लेयर ली थी, फिर उसके बाद फिर होने लगा था अच्छे से।
तो मैं तो ऐसे पराठा बनाती हूँ, आलू पराठा। आप लोग कैसे बनाते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एक्चुअली सभी लोग ऐसे ही बनाते होंगे, बट पता नहीं, किसी का अलग तरीका होता है, किसी का अलग तरीका होता है बनाने का, सभी का अलग अलग तरीका होता है बनाने का। तो बस यहाँ पर मेरा एक आलू पराठा रेडी हो गया और बच्चे वेट कर रहे थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। एक्चुअली बहुत देर से वेट कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा कामों में लग गई थी, तो इसी वजह से मैं उनको ब्रेकफास्ट जल्दी में टाइम पर नहीं दे पाई। तो बच्चे ना आगे बैठ गए थे हॉल में जाके ब्रश करके। एक्चुअली क्या होता है, जब इनके लिए टिफ़िन बनाती हूँ तो मैं बच्चों के लिए भी ब्रेकफास्ट बना देती हूँ उसी टाइम, मतलब उसमें से ही। तो इसीलिए बच्चों को कुछ लगता नहीं है, हमेशा ब्रेकफास्ट बना हुआ ही रहता है। बट आज थोड़ा सा वो आलू पराठा मैंने इनके लिए नहीं बनाया था, इनके लिए अलग सा बनाया था और बच्चों के लिए आलू पराठा बना रही थी। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट आलू पराठा है, मैंने बच्चों के लिए थाली निकाल दी है और यहाँ पर थाली जो है रेडी है। थोड़े से मेयोनीज रखे है और सॉस रखा है और बस मेयोनीज के साथ थोड़ा सा अच्छा लगता है ये आलू पराठा, और सॉस के साथ भी तो बच्चों को पसंद आता है, तो इसीलिए मैंने मेयोनीज भी डाल दी है थोड़ी सी। आज तो दोनों का भी फेवरेट ब्रेकफास्ट था, तो इसी वजह से वेट ही कर रहे थे वो कब आएगा कब आएगा, क्योंकि बच्चों को भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई थी, इसीलिए वो वेट कर रहे थे यहाँ पे। तो एक बन गया तो मैंने पहले दे दिया उनको खाने के लिए, उसके बाद दोबारा से बनाने लग गई। तो यहाँ पर दोबारा से आ गई थी किचन में और फिर दोबारा से बनाने लग गई थी सेम प्रोसीजर से। तो गाइस सारे पराठे मैंने यहाँ पर बना लिए हैं और लगे हाथ क्लीनिंग भी कर ले रही हूँ, क्योंकि क्या होता है अगर वैसे ही लंच तक बड़ा रहता है ना तो फिर अच्छा नहीं दिखता है, और अच्छा दिखने का क्या मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है ये सारी चीज़ें। इसीलिए लंच में थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सारी क्लीनिंग भी कर ली लगे हाथ। तो यहाँ पर क्लीनिंग भी हो ही गई है मेरी लगभग, मतलब किचन क्लीनिंग पूरी हो ही गई है। तो इसके बाद एक बार और झाड़ू मार लूँगी यहाँ पे नीचे और हो जाएगी मेरी किचन क्लीन, और ब्रेकफास्ट भी बन गया है, सारे पराठे बन गए हैं, अभी बच्चों को खाने के लिए दूँगी। बच्चों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था तो उसके बाद यहाँ पर हो रहा है माही का हेयर कट, क्योंकि आगे बहुत आ रहे थे यार, माही के बाल बहुत आँखों पे आ रहे थे, इसी वजह से मैंने सोचा चलो इसके हेयर कट ही करा देती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि कितने दिन अभी लॉकडाउन रहेगा तो ये मुझे नहीं पता था, और उसके बाल ना बहुत अजीब से दिख रहे थे आगे के, क्योंकि 2-3 महीने तो हो ही गए होंगे उसके हेयर कट को, तो इसीलिए बहुत आगे के बाल बढ़ गए थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उसके आगे के बाल बढ़ रहे थे। तो और वो जो मतलब वो हेयर स्टाइल जो कर रही थी उसके वो आगे के बाल ना चपटे चपटे लग रहे थे, तो इसीलिए मैंने कल भी उसको बोला था कि माही मैं मुझे याद दिलाना मैं कल आपका हेयर कट करा दूँगी। तो उसने सुबह सुबह याद दिलाया कि मम्मा आप बोल रही थी ना कि मेरा हेयर कट करा दोगी, तो इसीलिए आप कर दो, फिर मुझे नहाना भी है। उसके बाद नहाने के बाद अगर हेयर कट करते हैं ना तो फिर बाल कपड़ों पे गिरते हैं और वो फिर अजीब सा लगता है, मतलब चुभने लगते हैं, तो इसीलिए मैंने ना नहाने से पहले फिर उसके बाल काट दिए थे, हेयर कट करा दिया था। आगे के हेयर कट मैं घर पे करते, आगे क्या पीछे के भी मैं हेयर कट उसका घर पे कर देती पहले, मतलब जब तक वो छोटी थी ना तब तक मैं घर पे ही करती थी, फिर जब उसे थोड़ा सा समझने लगा के बाद फिर मैं उसका हेयर कट पार्लर में जाके कराने लगी, उससे पहले तो फिर घर पे ही करती थी। और इसी तरह से रहता था उसका हेयर कट, आगे के बाल थोड़े से आगे रहते थे, उसके बाद फिर ऊपर पीछे के जो बाल है वो छोटे रहते थे, बट अभी थोड़े से ज़्यादा बढ़ गया है उसके बाल, और बहुत बढ़ गए थे बीच बीच में, तो आपने देखा होगा अगर पिछले ब्लॉग आपने देखे है तो बहुत बढ़ गए थे, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे और उसको थोड़ा सा मेंटेनेंस में भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो यहाँ पर वो देख रही है अपने बाल बहुत ज़्यादा काट दिए, बोल रही थी मम्मा आपने, बट वो होता है ना अभी जल्दी से बढ़ जाते हैं बच्चों के बाल, और यहाँ पर वो देख रही थी हेयर मतलब स्टाइल अलग अलग करके।
तो मैंने उसको बोला कि ज़्यादा नहीं काटे हैं, जल्दी बढ़ जाएंगे, तो अभी अच्छे भी दिख रहे हैं, मतलब आँखों पे नहीं आ रहे। और घर पे करने का रीज़न ये है कि लॉकडाउन अभी कब ख़त्म होगा और कब हमें पार्लर जाने के लिए मिलेगा ये भी पता नहीं है, और कर भी क्या सकते हैं, ऑप्शन ही नहीं है दूसरा, तो इसीलिए मैंने घर पे कर दिया उसका हेयर कट, और अच्छा भी लग रहा था। तो अभी नहाने के बाद आपको मैं बाद में दिखा दूंगी कि उसका हेयर कट कैसे लग रहा है। और यहाँ पर वो बार बार अपने बालों को ही देख रही थी एक्चुअली, क्योंकि उसे ना लंबे बाल बहुत पसंद है और वो थोड़ा सा नाराज़ भी हो गई थी। तो लंबे बाल उसे बहुत पसंद है, बट आगे ना उसके बाल बहुत आते हैं, मतलब आँखों पे आते हैं, तो इसीलिए, और क्लिप भी बहुत कम लगाती है, मैं उसको क्लिप लगाने के लिए बार बार बोलती रहती हूँ तो क्लिप भी बहुत कम लगाती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि उसका हेयर कट ही करा देती हूँ तो वो सही रहेगा, तो मैंने करा दिया, तो थोड़ा सा नाराज़ हो गई थी वो। तो यहाँ पर मिल रही हूँ मैं रात को डायरेक्ट, मतलब 9 वगैरह बज गए होंगे, 8:30-9 बज गए होंगे, और यहाँ पर मैं बना रही थी बैगन का भरता, डिनर बन रहा है यहाँ पे, बैगन का भरता बना रही थी। हे गाइस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नहीं बोल सकती हूँ मैं, बहुत लेट हो गया है, 9 बज गया है अभी। और हाँ, यहाँ पर भरता बनाने के लिए डालते हैं, मतलब भरता बन रहा है मेरा एक्चुअली, सारा खाना बन गया है, उसके बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्योंकि क्या हुआ कि सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, तो मैंने सोचा चलो आज सारा खाना बना ही लेती हूँ, और सिंपल सा भरता बनाया है बैगन का, तो इसी वजह से कुछ दिखाने लायक नहीं था। अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं भरते की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट डेली का मतलब तो थोड़ा सा सिंपल सा रहता है खाना, इसी वजह से मतलब शाम का अभी थोड़ा सा सोच रही थी मैं बनाने के लिए क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो इन्होंने मुझे बोला कि भरता बना दो, काफ़ी दिनों से भरता नहीं खाया है, और बैगन भी इन्होंने भरते के लाके रखे थे, आपको उस दिन पता है मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आज भरता ही बना देती हूँ। इन्होंने भी मुझे बोला कि भरता बना दो, खाने का मन कर रहा है उनका, तो इसलिए भरता बन रहा है अभी, तो उसको स्टीम आने दूंगी, भाप आ जाएगी तो हम लोग डिनर कर लेंगे अब। और हाँ, मैंने कल आपको बोला था कि किस किस साइड में बारिश हो रही है, आप ज़रूर बताना मुझे, तो काफ़ी लोगों की साइड में बारिश हो रही है यार, हमारे साइड में पता नहीं क्यों नहीं हो रही है, बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं भी होनी चाहिए बारिश, अच्छी नहीं है अभी कोरोना के पीरियड में बारिश होना, बट यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और किसी ने मुझे पूछा था कहाँ पर रहते हो, तो महाराष्ट्र में रहती हूँ, तो महाराष्ट्र में यहाँ पर, तो महाराष्ट्र में भी बहुत साइड में बारिश हुई है, बट हमारे साइड में, मैं अमरावती में रहती हूँ, तो यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं हुई, महाराष्ट्र में भी बहुत साइड में बारिश हुई है कल परसों वगैरह, बट यहाँ पर नहीं हुई है बारिश, तो इसीलिए बहुत गर्मी हो रही है। और बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया कि हमारे साइड में बारिश हो रही है, हमारे साइड में बारिश हो रही है, एक्चुअली पाकिस्तान में भी बारिश हुई है, बट यहाँ पर नहीं हुई है बारिश। तो पाकिस्तान के भी एक मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने भी मुझे कमेंट किया था कि पाकिस्तान में भी बारिश हो रही है कंटिन्यू, मैंने इनको बोला यहाँ पर बारिश होनी चाहिए, तो ये बोल रहे कि अच्छा है नहीं बारिश हो रही है, तो क्योंकि कोरोना के लिए ठंडा मौसम नहीं चाहिए, तो जितना गर्म मौसम रहेगा उतना अच्छा रहेगा बोल रहे थे। और हाँ, किसी ने लिपस्टिक शेड पूछा था मुझे, ये वाला लिपस्टिक शेड कौन सा है, उस दिन मैंने ये वाला लिपस्टिक अप्लाई किया था, ये वाला शेड अप्लाई किया था, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे यार, मुझे बात भी नहीं करने देते यहाँ पे। मैंने परसों की ब्लॉग में ये लिप शेड लगाया था और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये वाला लिप शेड, तो बहुत लोगों ने पूछा कि लिप शेड कौन सा है, लिप शेड कौन सा है, तो मैंने सोचा चलो आपको बता देती हूँ आज। उस दिन में मैंने यही वाला अप्लाई किया था, जो एस क्यू वाला नहीं था, स्टेक वर्की वाला, तो वही है ये स्टेक वर्की का, टू हॉट फॉर डेट नाइट, जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा उसके बाद आप इसे पर्पल से परचेस कर सकते हो, तो आप लिख लीजिए इसका शेड नंबर, टू हॉट फॉर डेट नाइट। तो बस चलिए फिर अभी बंद कर देती हूँ, हो गया होगा, तो डिनर कर लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर ये है हमारी खाने की थाली, यहाँ पर भरता और रोटी और सलाद बनाया है टोमेटो और प्याज का, और उसके साथ ये है टोमेटो का बेसन, बहुत से लोग मराठी इसे पिठलं भी बोलते हैं, तो ये मैंने सुबह बनाया था एक्चुअली लंच में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ तो यही बना लिया था। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। अगर कोई सब्ज़ी आपको समझ में नहीं आ रही है क्या बनाऊँ तो ये आप बना सकते हो। हेयर कट दिखाती हूँ मैं आपको कैसी हुई है, तो अभी इसने ना हेयर वॉश किया है और क्या बोलते हैं तो नहा लिया था, उसके बाद की ये लुक है उसके बाद का माही का, तो आप देख लीजिए कैसा लग रहा है अभी, बताना मुझे ज़रूर कमेंट करके,
क्योंकि मैंने मतलब एक्चुअली मैं पहले भी इसकी हेयर कट करती थी घर पे, आगे की पीछे की, बट अभी कुछ दिनों से मैं उसको पार्लर में लेके जा रही हूँ और पार्लर में कर रही हूँ, बट अभी लॉकडाउन की वजह से करना पड़ रहा है। अद्विक आपने यहाँ पर बॉल रख दिया था अपना? अपना यहाँ पर रखा, क्यों रखा आपने यहाँ पर बॉल? मैं तो यहाँ पर रखना तो नहीं जाता, रखना भूल ही गया था। नहीं, रख के भूल गए थे। हाँ, रख के भूल गया था। क्या किया था आपने? रख के दिया था। अच्छा, रख दिया था और भाग गए थे। आओ खेलने जा रहे हो ना? खेलने जा रहे हो ना? हाँ। चलो जाओ फिर, हाय बोल दो एक बार। अरे यहाँ पर कहाँ घुस गए? हाय बोल दो एक बार। अभी बॉल इसके लिए? अच्छा, इसके लिए अंदर। अद्विक हाय बोल दो बेटा एक बार। हाय, लव यू बोल दो। लव यू। स्टे होम। स्टे होम। स्टे सेफ। स्टे सेफ। स्टे सेफ। बाय बोल दो। बाय। तो गाइस डिनर हो गया है हमारा, और काफी देर पहले ही डिनर हुआ था, मतलब हम लोग बाहर टहल रहे थे थोड़े से, यहाँ पर ही क्या बोलते हैं पोर्च में बोल रही हूँ, वेलकम पॉन्ड के अंदर ही हम लोग थोड़ा सा टहल रहे थे, तो इसी वजह से मैं आपसे बात नहीं कर पाई, मतलब लेट हो गया आपसे बात करने के लिए। अभी बज रहे हैं 11, तो मैं सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ। और हाँ, किसी ने मुझे ये पूछा था कि आप में एनर्जी कहाँ से आती है, मतलब आप इतने एनर्जेटिक लगती हो, तो डियर किसी में एनर्जी नहीं रहती है, जो हाउस वाइफ है वो हमेशा ऐसे ही नहीं रहती है, मतलब बहुत सारे काम होते हैं घर पे, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसी वजह से एनर्जी हमेशा के लिए ऐसी नहीं रहती है। बट क्या होता है कि मेरे घर पे तो ऐसा है, जैसे ये सुबह ड्यूटी जाते हैं तो उसके बाद तो थोड़ा सा होता है कि यार सारे काम करने पड़ते हैं, उसके बाद तो मैं थक जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ थोड़ी देर, वो होता है। ये फिर ड्यूटी से आता है, जैसे ही ड्यूटी से आते हैं ना तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है हमें, मतलब ये ना चुपचाप से बैठ नहीं सकते, बिल्कुल शांति से नहीं बैठते हैं घर पे, कुछ ना कुछ मतलब छेड़खानी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हंसाते हैं सबको, थोड़ी सी कॉमेडी करते रहते हैं, तो इसी वजह से ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाती है हमें, तो कोई भी मतलब शांति से पड़ा भी रहा ना कोई, जैसे अद्विक हो या माही हो, तो किसी को भी अच्छे से रहने नहीं देते हैं, मतलब उठाते हैं हमें और कुछ ना कुछ छेड़खानी करते रहते हैं हमारे साथ, तो इसी वजह से ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाती है उसकी वजह से, तो यही राज है हमारी एनर्जी का, बाकी कुछ भी नहीं है। तो चलिए फिर, इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है और नाम लेने का टाइम आ गया है, और जिन जिन के नाम इस ब्लॉग में नहीं आएंगे तो आप इस ब्लॉग को मुझे कमेंट करके बता सकते हो, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपका नाम लेने की जरूर कोशिश करूंगी। नाम लेने से पहले मैं एक और नाम लेना चाहती हूँ जिनका आज बर्थडे है, तो दीपा इंगरे का आज बर्थडे है, वैसे मैंने उनको वहां पर भी विश कर दिया था कमेंट में भी, उन्होंने जब मुझे बताया था मैंने सोचा चलो ब्लॉग में उनको विश कर देती हूँ, तो हैप्पी बर्थडे डियर, बट ये ब्लॉग कल जाएगा, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे डियर। और आज के नाम है, मतलब फर्स्ट नाम है आज का, राजश्री पवार ने मुझे रिक्वेस्ट की थी उनकी बेटियों का नाम लेने के लिए, तो उनकी बेटियों का नाम है सृष्टि एंड स्वास्थी, तो कॉन्ग्रेचुलेशन डियर। और आज का जो सेकंड नाम है वो माही लेगी, तो इसी वजह से मैं माही को बुला के लाती हूँ, तब आपका नाम वो लेगी, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी माही के मुंह से नाम सुनने के लिए। तो माही आओ बेटा। माही भी एक्साइटेड है उनका नाम लेने के लिए, आओ। तो आज का नाम माही लेगी, तो माही स्टार्ट करो। एक मिनट, हाँ बोलो बेटा। तो आज का नाम मैं लेने वाली हूँ मयूरी जी भानुशाली का। थैंक यू मुझे इतना पसंद करने के लिए, मम्मा ना मुझे कमेंट्स पढ़ के बताती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मुझे पसंद करते हैं आप लोग इतना, तो मैं लास्ट में आपको इतना ही बताना चाहती हूँ, स्टे होम स्टे सेफ। तो चलिए थैंक यू माही, और चलिए फिर इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोस, हॉल वीडियोस, मेकअप वीडियोस इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।